हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज तो हम लोग अपने यहाँ का अंडे का स्वीट हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को हम 80 अंडे तक स्वीट कैसे बनाते हैं? आप लोगों के घर के पास या फंक्शनों में कोई स्वीट बनाना मांगता है तो अपना चैनल के द्वारा आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इधर तो 80 अंडे लेके आए वापस से। इधर तो चूल्हे के अंदर जितना भी लकड़ी है उसको अंगार होए तक थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है। हम लोग अपना गांव के अंदर छोटा फंक्शन में ये जो स्वीट बनाने के लिए आए वापस, फिर खाना बनाने की भी काम है, सबेरे करते रात का टाइम है ऐसे भी, इसलिए अभी सबसे पहले ये जो वो लकड़ियों को अंगार होए तक इंतज़ार करना पड़ता है। ये जो 80 अंडे का ये जो स्वीट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इधर तो 6 किलो शुगर लिया हुआ है और इसके साथ में काजू और बादाम। आप लोगों का मर्जी है, ड्राई फ्रूट अगरचे ज़्यादा कमी पेशी होएगा तो कोई बात नहीं है। इधर तो इलायची भी थोड़ा लिया हुआ है, अभी दिखाता हूँ मैं। और इधर तो ये जो मिल्क मेड बताते हैं, और इसके पास तो ये तो 5 डब्बे लेके आया, 3 किलो ओ फीका खोया लेके आया, और 3 किलो 2 किलो तक इसके अंदर, 2 से 3 किलो तक घी इसके अंदर लगेगा। सबसे पहले जब भी हम लोग क्या करते हैं, ये जो अंडों को क्या करते हैं, इसको सबसे पहले जो मिक्सर में 6 अंडे डाल के इसके अंदर 300 ग्राम तक शुगर इसके अंदर ऐड करते हैं, और मिक्सर में क्रीम जैसा इसको बना के वापस इधर तो अभी डाल रहे हैं। फिर वापस इसको चूल्हे के ऊपर रख के पकाना पड़ता है। ये जो अंडे का स्वीट बनाने का तरीका है एकदम आसान है, आप लोग अपना घर के पास थोड़ा सा ट्राई कीजिए। अभी हम लोग अपना चैनल के द्वारा आप लोगों को और भी अच्छे से रेसिपी बनाने की कोशिश करते हैं। अभी भाई साहब, अभी इधर तो 300 ग्राम तक इसके अंदर 6 अंडे को शुगर ऐड कर रहे हैं। वापस इसके अंदर तो अभी शुगर डाल के इसको क्रीम जैसा है इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे से अभी जितना भी अंडा है इसके अंदर क्रीम बना के इसके अंदर डाल रहे हैं। अभी देखिए, इधरों ये जो 3 किलो घी के अंदर ये जो बादाम काजू और चिरिंजी है इसको थोड़ा सा फ्राई करके तड़के के लिए इधर रेडी करके साइड में रखा है। ये तो आखिर में जब भी ये जो अंडे का स्वीट हो जाता है बस इसके ऊपर डालना पड़ता है। हम लोग जब तक ये टाइम नहीं है इसलिए इसको साइड में इसको थोड़ा फ्राई करके रखा है, वापस ऊपर डाल देंगे। इधर जो हम लोग मिक्सी के अंदर जो क्रीम बनाए वापस, फिर भी इसके अंदर जो इसका शुगर है उसको थोड़ा सा डाल के जब तक जितना भी शुगर इसके अंदर अच्छा मिक्स हो तक थोड़ा इसको मिला के मिलाना पड़ता है। इसीलिए अभी ये जो शुगर और ये जो अंडे का पेस्ट है ये सब कुछ अभी इधर घुमा रहे हैं। ये जो चूल्हे के अंदर का जितना भी आँच है हम लोग पूरा बाहर निकाल दिए, वापस इसको तो पूरा अंगारे के अंदर रख दिया। अभी शुगर 5 किलो और 80 अंडे का जो मिक्स किया हुआ क्रीम है इसको हम लोग ये अंगार के ऊपर रख के इसको हिलाते रहने का, ऐसे ही नहीं छोड़ने का। अभी तो ये तो मीठा बनाना चालू हो गया है, आप लोग देखिए।
जब से हम लोग ये जो क्रीम इसके ऊपर डालते हैं, धीरे धीरे से इसको तो घुमाना पड़ता है, और बाजू में और भी कमी पेशी अंगारे के लिए थोड़ा सा आँच अंगार बना के इसको स्टार्ट करके रख लेते हैं, क्योंकि ये जो अंगार का इसका भाप कम हो जाएगा तो वापस इसके अंदर से जो अंगार है वापस इसके अंदर डालने के लिए इधर आँच लगाते ही रखा है। थोड़ा मुश्किल है लेकिन आसान तरीका है। आप लोग भी अपना घर के पास थोड़ा सा ट्राई कीजिए, अपना चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए। अभी तो ये जो क्रीम जैसे जैसे गर्म होना चालू हुआ है ये तो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, वापस इसको तो हम लोग थोड़ा तो आराम से इसको हिलाना पड़ता है, रुकाने का नहीं। जब तक ये जो पूरा क्रीम इसका तो गाढ़ा होए तक एक घंटे से ज़्यादा होता है। घर के अंदर रहेगा तो आप लोग स्टोव के ऊपर, गैस के ऊपर, सिम आँच के ऊपर हिला के भी बना सकते हैं, घर के पास भी आप लोग थोड़ा सा ट्राई कीजिए। इधर तो अभी थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो रहा है, इधर तो हम लोग इलायची और थोड़ा शुगर डाल के इसको पाउडर बना के रखा है और इसके अंदर अभी मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो अंडे का स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और खाने के अंदर स्वाद दुगना होने के लिए हम लोग इधर तमें शुगर और इलायची का पाउडर इधर मार के रखा था, इसके अंदर मिक्स कर रहे हैं। अभी देखिए जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो ये जो क्रीम है ये गाढ़ा होने लगी। अभी इसको तो नहीं रुकाने का, ऐसे ही घुमाते रहने का जब तक ये और अच्छे से पकने का टाइम तक इंतज़ार करना पड़ता है। अभी देखिए ये तो धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है, और भी हम लोग इसको धीरे धीरे से हिला के इसको ऐसे ही घुमा रहे हैं। हेलो अगरचे घर में रहेगा तो आप लोग भी थोड़ा सा सिम में रख के आराम से हिला के इसको पका सकते हैं। अभी तो एकदम गाढ़ा होने लगा है, अभी तो आप लोग देखिए जो है एकदम गाढ़ा होने लगा है और इसके अंदर से बबुल्स भी आ रहे हैं देखिए। और इधर तो हम लोग आँच एकदम धीमी आँच पे रख के इसको बना रहे, ज़्यादा आँच नहीं रखते हैं, इसलिए आप लोगों को सावधानी के लिए हम लोग बनाते हैं। थोड़ा बहुत नीचे लगेगा तो इसको थोड़ा हिला के साफ करके इसको ऐसे ही बंद करके निकालना पड़ता है। अभी तो ये एकदम जैसा खोए का जैसा हो गया है, और इसके अंदर ये जो फीका खोया है अभी इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। आप लोग देखिए इसके अंदर तो आप लोग का मर्जी है, 3 से 4 किलो तक फीका खोया डाल सकते हैं। मैं 6 अंडों को 200 ग्राम खाऊँ। जब भी ये जो फीका खोया इसके अंदर डालते हैं वापस इसको से थोड़ा सा घुमाना लगता है, थोड़ा मुसीबत का काम है लेकिन खाने में तो स्वाद बहुत सही तरीके से रहता है। आप लोग भी अपना घर के पास थोड़ा सा ट्राई कीजिए। अभी ये काम ख़त्म नहीं हुआ है और आप लोग थोड़ा सा देखिए, इधर तो खोया डाला हुआ है, फिर वापस इसको पूरा अच्छा सा मिक्स करें। नीचे की ओर तो थोड़ा लाल लाल इसके अंदर जैसे जैसे ये नीचे पकड़ता है इसको वापस घुमा के निकालना पड़ता है। देखिए अभी ये जो आगर में आधा घंटे से हम लोग धीरे धीरे नीचे लाल होने लगा, फिर वापस इसको निकाल के घुमा रहे हैं। इसका कलर तो धीरे धीरे तो अभी चेंज होने लगा, ब्राउनिश आने लगा है। इसके अंदर आप लोग चाक के देख सकते हैं, शुगर का कमी पेशी रहेगा तो भी वापस इसके अंदर शुगर ऐड कर सकते हैं। अभी मैं बताता हूँ इसको, और थोड़ा ब्राउनिश आने तक, थोड़ा नीचे इसको ब्राउन होए तक फिर वापस इसको घुमाना लगता है, इसके अंदर इसका कलर चेंज हो जाता है।
अभी आप लोग देखिए, इधर तो एकदम सही कलर इसका तो एकदम ब्राउनिश आ गया है। इतना ज़्यादा कलर अपने को भी पसंद नहीं है। आप लोग और थोड़ा देर भी इसको बना सकते हैं, खाने के अंदर स्वाद तो इसका डिफरेंस आ जाएगा। मेरे हिसाब से ये एकदम सही कलर है। अभी इसके अंदर हम लोग जो तड़के के लिए इधर तो बादाम और काजू रेडी किए हैं, इसके अंदर फिर वापस अभी मिक्स कर रहे हैं। रखो उकार रहे हैं। ये ले दिया उसे तुम। हो का मंडल दिन सर आओ जी। हाँ का जी ले ले। हाथ लगाने देखो खाई चले सर। सर खाई चुके का हाँ पूरा लगा खाईता है ऐसा होगा ले है तो क्या है। हाँ अभी तो इसके अंदर सही तरीके से हम लोग ये जो तड़का लगाया है अभी वापस ऊपर के डाल के छोड़ दिया। फिर वापस इसको थोड़ा देर के बाद में इसके अंदर मिल्क मेड अभी मिक्स करते हैं। देखिए आप लोगों के पास सही तरीके से ये जो वह अंडे का स्वीट हम लोग बनाया है, आप लोग भी अपना घर के पास थोड़ा सा ट्राई कीजिए और शेयर कीजिए। अपना चैनल को थोड़ा सा अभी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जब भी ये स्वीट ठंडा हो जाता है इसमें तो थोड़ा सख्त हो जाता है, उस टाइम में हम लोग थोड़ा सा 1 से 2 लीटर तक दूध गर्म करके फिर वापस इसको गीला कर देते हैं। इतना इसका परेशानी होने का ज़रूरत नहीं है। अगरचे आप लोग थोड़ा स्वीट ज़्यादा मांगता है तो भी फिर भी इसके अंदर स्वीट मिक्स कर सकते हैं। दोनों बहन जी भी जब से जो हम लोग मीठा बनाना चालू किए ये लोग भी सीखने के लिए इधर खड़े थे और इनका ही फंक्शन है। हम लोग इधर बना के इधर आ रहे हैं। अभी बहन जी भी लास्ट फाइनल टच में हिला रहे हैं। अब खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।